तो इनका इंटरव्यू है परसों, तो ये उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ग्रीट कैसे करना है वहाँ जाके इंटरव्यूअर को, गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, क्या कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, इंटरव्यू राउंड है। और इसके बाद इनको पता चलता है कि भैया ऑनलाइन हो रहा है इंटरव्यू, यानी कि कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऑनलाइन है, अरे फिर क्या टेंशन, फिर तो आराम से हो जाएगा। मैं भी खाम खा इतना सोच रहा था, ऑनलाइन तो घर बैठ के हो जाएगा, आराम से कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही एटीट्यूड होता है जो आपको वीडियो इंटरव्यू में ले डूबता है। इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाने से उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती, बल्कि ऑनलाइन में तो आपको और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 टिप्स विच विल हेल्प यू इन किलिंग योर वीडियो कॉल इंटरव्यू। टिप नंबर 1, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नॉट ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट बट अ वुमन टू। बट भाई प्रैक्टिस करनी किस चीज़ की है? होता क्या है कि जब आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है ना, तो साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सी ऐप पे या कौन सी सॉफ्टवेयर पे इंटरव्यू होना है। तो हमारी यूजुअल टेंडेंसी ये होती है कि इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ID बना के बैठ जाते हैं, और फिर इंटरव्यू के बीच में बैठ के फिगर आउट करते रहते हैं कि ऐप काम कैसे करती है, जैसे म्यूट कैसे होगा, कैमरा ऑन कहाँ से होगा, और इतने में इंटरव्यू का हो जाता है कचरा। इसलिए तुम्हें जैसे ही पता चले कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होने वाला है, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम, स्काइप हो गया, तो पहले ही वीडियो कॉलिंग की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट इंटरव्यू में बिल्कुल प्रो वाली फीलिंग आए। तो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को पकड़ो और उसके साथ वीडियो कॉलिंग की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ आ जाए। और प्रैक्टिस सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बट बोलने की भी किया करो, एंड बोलते टाइम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया करो और फिर उसे सुनो, सो दैट तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे डाउन होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसे इम्प्रूव करो। और चिंता मत करो, शुरू में अपनी आवाज़ खुद सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट। टिप नंबर 2, वेयर फॉर्मल अटायर। अब आप ये सोच रहे होगे कि फॉर्मल की क्या टेंशन लेनी, ऊपर से शर्ट डालेंगे और नीचे का कौन देख रहा है। भाई फॉर्मल्स उस इंटरव्यूअर के लिए नहीं बट अपने लिए पहनो। जब तुम अच्छे से ड्रेसअप होगे फ्रॉम हेड टू टो, एक गुड फील फैक्टर आ जाएगा। यू विल फील गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड दैट विल शो इन योर इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के टाइम पे ये बहुत जरूरी है दैट यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। उससे एक ना अलग ही लेवल की एनर्जी एमिनेट करोगे तुम। और भाई कुछ कुछ इंटरव्यूज में तो दे आस्क यू टू स्टैंड अप, एंड अगर ऐसा हो गया ना तो भाई फिर बहुत गंदा सीन हो जाएगा। टिप नंबर 3, लुक एट द कैमरा। कभी नोटिस करना, जब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, रादर देन हम कैमरा में देख के बात करें, वी स्टार्ट लुकिंग एट द स्क्रीन, क्योंकि वो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। बट भाई उसको स्क्रीन पे देखने से हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा ना। अब अगर मैं आपसे इधर उधर देखते हुए आराम से बात करूँ तो आपको मजा नहीं आएगा ना। सिमिलरली जो आपका इंटरव्यूअर है वो भी इंटरेस्ट लूज कर देगा। सो व्हेनेवर यू हैव अ वीडियो कॉल इंटरव्यू, मेक श्योर टू लुक एट द कैमरा। अच्छा फिर हमें एक और बीमारी होती है जब हम वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, सो क्योंकि हमें आदत नहीं होती कैमरा के सामने बोलने में, या हम कैमरा शाय होते हैं, हम क्या करते हैं, हम वो अपनी जो खुद की वीडियो आ रही होती है ना वीडियो कॉल करते टाइम, हम उसी को ही देखते रहते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में वो जो छोटा सा डब्बा होता है ना, उसको कैमरे के जस्ट नीचे प्लेस कर देता हूँ, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ एंड सामने वाले को भी लगे कि आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है। और वैसे इस बीमारी को ठीक करने के लिए मिरर के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस किया करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। एंड बोलते टाइम ट्राई टू यूज एप्रोप्रिएट हैंड जेस्चर्स, इससे इंटरव्यूअर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड यू विल लुक मोर प्रोफेशनल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई हैव प्लेंटी ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग आर्टिकलशिप एंड CVs ऑन माई चैनल, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।